हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर जब लॉगिन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि आप गलत पासवर्ड डालते हैं तो 3 बार ही आपको टाइम मिलता है। अगर आपने 3 बार से ज्यादा पासवर्ड अपना गलत डाल दिया है ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर लॉगिन करते टाइम, तो फिर आपको ये ऑप्शन आता है कि आप अपनी डीएससी को अटैच कीजिए, यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को अटैच कीजिए। अगर आपके पास टोकन है तो वो आप आपको अपने सिस्टम के साथ अटैच करना होगा यूएसबी टोकन को। उसके बाद आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपको लॉगिन करने के लिए दिया जाएगा। तो ये कैसे किया जाता है मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ प्रैक्टिकली। आप जब ipindia.gov.in पर आएंगे, उसके बाद आपको रिलेटेड लिंक पर जाना है। ट्रेडमार्क पर आप क्लिक करेंगे, वहां पर रिलेटेड लिंक मिलेगी। उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग सर्विस पर जाना होगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये सारा करने के लिए आपको इंटरनेट एक्सप्लोर का यूज करना है, बाकी किसी मतलब ब्राउजर का यूज नहीं करना है। अदरवाइज आपकी डीएससी वहां पर अटैच नहीं हो पाएगी, ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात कि ट्रेडमार्क कैसे अप्लाई किया जाता है, डीएससी कैसे अप्लाई की जाती है, डीएससी को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, ये सारी चीजें अगर आपको समझनी हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सारी वीडियो मैंने अपलोड करके रखी है अपने चैनल पर। अब देखिए, जैसे कि मानकर चलिए जब आप लॉग इन करते हैं नॉर्मल केस में पासवर्ड वगैरह से, अगर आपने लॉग इन आईडी बना रखी है ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर, तो आप यहाँ पर अपना यूजर आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं जो भी आपने बना रखा है, और कैप्चा डाल के लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मानकर चलिए 3 बार आपने गलत पासवर्ड एंटर कर दिया, तो उसके बाद जब भी आप यहाँ पर अपनी आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे, आपको लिख के आएगा एक मैसेज कि आपने 3 बार ट्राई कर लिया है, अब आप डीएससी के थ्रू ही अपनी लॉग इन कर सकते हैं। तो उस केस में आपको यहाँ पर डीएससी सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पर यूजर नेम में आपका जो ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर आपने यूजर नेम बनाया था, जो ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर आपने यूजर नेम बनाया था साइन अप करते टाइम, वो आपको यहाँ पर डालना है। पासवर्ड इस केस में नहीं डलेगा, डीएससी के केस में पासवर्ड नहीं डलेगा, सिर्फ यूजर नेम डलेगा, कैप्चा डलेगा, और लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोर का यूज करेंगे। यहाँ पर जैसे लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे डीएससी के केस में, तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, उसमें यस करना है, फिर एक दूसरी विंडो ओपन होगी, उसमें ओके करना है, आप लॉगिन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका पासवर्ड नहीं ले रहा है ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर, तो आप डीएससी के थ्रू कैसे लॉगिन करेंगे ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर।